बॉक्सिन कैसे प्लेसमेंट हो रहा है देखिए, बॉक्सिन आ रहा है, आके फर्स्ट क्या करेगा, यार्ड में प्लेसमेंट करा देगा उसको, क्यों ये ईएमयू इंजन है, ईएमयू इंजन टिपला टेबल का अंदर आ नहीं सकते, उसके इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं है, इसीलिए यार्ड पे फर्स्ट प्लेसमेंट हो जाएगा उसको। देखिए वहीं पे वो रुकेगा, रुक के इंजन और लोडेड ऑर्गन जो है उसको डिकैपल कर दिया जाएगा। डिकैपल करने का बाद ये इंजन क्या होगा, ये इंजन लूप लाइन होके, ये लूप लाइन होके धीरे धीरे वो निकल जाएगा और वहीं पे बॉक्सिंग जो है वो वहीं पे छोड़ दिया जाएगा। फिर क्या होगा, फिर उस बॉक्सिंग को पीछे से डीजल इंजन हो कोई भी ईएमयू इंजन हो वो पीछे से पुश बैक करेगा। पुश बैक करते करते ये टिपलर का जो लाइन दिखाई दे रहा है इसी लाइन पे वो आएगा। अभी देखिए इंजन पुश बैक हो रहा है, पूरा टोटल मालगाड़ी जो है उसको पुश बैक करा रहा है, पीछे से धक्का मार रहा है। धक्का मारते मारते टिपलर का जो पोजीशन होगा, जिस जगह से पोजीशन होगा मतलब अनलोडिंग होने के लिए जहाँ से उसका स्टार्टिंग है उसी जगह पे वो प्लेसमेंट हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, ये मालगाड़ी में टोटल 59 ऑगन रहता है, 58-59 ये ऑगन रहता है। ये प्लेसमेंट कौन कराएगा, यहाँ तक प्लेसमेंट राइट्स कराएगा, रेलवे का जो आदमी है वो लोग ही कराएगा। टिपलर ऑपरेटर हो, साइड एम चार्जर ऑपरेटर हो, इन लोग का वहाँ पर कुछ काम नहीं है, वो लोग प्लेसमेंट टिपलर में करा देगा, इसके बाद आप लोग का काम है। देखिए अभी प्लेसमेंट हो चुका है, प्लेसमेंट होने के बाद क्या करेगा, जो इंजन पीछे से पुश बैक कर रहा था वो डिकैपल होगा, वो डिकैपल हके करके चला जाएगा। इसके बाद हम लोग का क्या करना पड़ेगा, पूरा गाड़ी को ईयर रिलीज़ करना पड़ेगा। टोटल गाड़ी जितना भी ऑर्गन है, 58 ऑर्गन हो 59 ऑर्गन हो, पूरा गाड़ी को ईयर रिलीज़ करना पड़ेगा। तो ईयर रिलीज़ कैसे करेंगे वो देख लीजिए। देखिए ये लीवर को खींचना पड़ेगा, ईयर रिलीज करने का टाइम आपको देखना पड़ेगा। जितना भी ऑर्गन है 58 हो 59 हो, हर एक ऑर्गन पे अलग अलग इंडिविजुअली आपको ईयर रिलीज करना पड़ेगा। ये लीवर को खींच के हर एक ऑर्गन को आपको ईयर रिलीज करना पड़ेगा। अगर आप ईयर रिलीज ठीक से नहीं किए तो क्या होगा, रेलवे का जो ब्रेक सिस्टम है वो ब्रेक व्हील को पकड़ के रखेगा, पकड़ के रखेगा तो क्या होगा, हम लोग का साइड एम चार्जर जो मशीन है वो पूरा गाड़ी को खींच नहीं पाएगा टिपलर टेबल तक। तो इसीलिए आपको ईयर रिलीज करना मस्ट है, हर एक ऑर्गन को ईयर रिलीज करना पड़ेगा। पूरा गाड़ी को ईयर रिलीज करने में 20 मिनट टाइम लगता है, एवरेज एक टाइम 20 से 25 मिनट, मैक्सिमम 25 मिनट, मिनिमम 15 से 20 मिनट, मतलब सोच लीजिए 20 मिनट टाइम लगेगा पूरा गाड़ी को ईयर रिलीज करने में। अभी देख लीजिए ईयर रिलीज हो चुका है, तो अभी क्या करना पड़ेगा आपको, जितना भी ऑर्गन है सब को ऑर्गन को खाली करना है आपको। तो खाली करने के लिए ये जो मशीन दिखाई दे रहा है, ये मशीन का नाम साइड एम चार्जर है। ये साइड एम चार्जर ऑपरेटर कैसे चलता है, इसका फंक्शन क्या है, थोड़ा ओवरव्यू ले लीजिए। देखिए ये आपका हाइड्रोलिक पावर पैक है, ये हाइड्रोलिक पावर पैक, ये टोटल एक स्ट्रक्चर है, टोटल एक स्ट्रक्चर है और ये उसका हाइड्रोलिक पावर पैक है। हाइड्रोलिक पावर पैक क्या करेगा, हाइड्रोलिक पावर पैक आप चालू करेंगे तो ये इसका साइड में तीनों मोटर लगा हुआ है, 1 2 3 तीन मोटर लगा है। ये मोटर क्या करेगा, नीचे देख लीजिए तीनों पिनियन है, वो पिनियन का मदद से ये साइड एम चार्जर आपका मूवमेंट होगा, रेलवे ट्रैक का ऊपर मूवमेंट होगा। इसका क्या किया गया है, चारों साइड में चारों व्हील है, जैसे रेलवे चक्का रहता है उसी टाइप का चक्का है, उसी चक्का का ऊपर बेस करके ये मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट का जगह जो है उसको देख लीजिए, और उसका पहले देख लीजिए ये साइड एम चार्जर आर्म है, ये वाला पार्ट जो है आर्म है, ये नॉर्मली अप डाउन होता है और ये मशीन फॉरवर्ड रिवर्स होता है और कुछ नहीं। अभी इस मशीन जिस ट्रैक के ऊपर चलता है उस ट्रैक का थोड़ा नॉलेज ले लीजिए। साइड एम चार्जर मशीन का ट्रैवल लेन देख लीजिए, मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स मैक्सिमम कितना हो पाएगा, वो ये 35 मीटर है, देख लीजिए यहाँ से वहाँ तक मैक्सिमम जो है वो 35 मीटर उसका रेल ट्रैक है, उसी ट्रैक में वो फॉरवर्ड रिवर्स हो पाएगा। इसमें देख लीजिए साइड एम चार्जर का जो पिनियन है, जो डाइव मोटर पिनियन को घुमा रहा है, पिनियन क्या कर रहा है, रैक का मदद से वो फॉरवर्ड रिवर्स हो पा रहा है। नेक्स्ट देख लीजिए इसका लोडेड ऑर्गन का साथ उसका क्या कैसे बिहेवियर है, कैसे चलता है वो, उसको भी देख लीजिए। आप साइड एम चार्जर मशीन का चलने का स्टाइल देख लीजिए, उसका साइकिल क्या है देखिए, फर्स्ट आर्म डाउन किए, मतलब कंट्रोल रूम से डाउन कमेंट दिए तो ऑटोमेटिक डाउन हो गया, पूरा मैक्सिमम डाउन हो गया।
फिर क्या करेगा, रिवर्स कमेंट देना पड़ेगा कमेंट कंट्रोल रूम से। तो देखिए धीरे धीरे रिवर्स हो रहा है, कितना दूर तक रिवर्स होगा, जब तक उसको अगन कपलिंग ना हो पाए। देखिए स्लो रिवर्स हो रहा है, ये जो पॉइंट है आर्म डाउन से कपलिंग तक, ये स्लो रिवर्स है, धीरे 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 जा रहा है। पूरा ओरिजिनल फुटेज है ये, इसमें एडिटिंग कुछ किए नहीं है। कपलिंग हो गया लोडेड ओगन का साथ, जाते जैसे ही कपलिंग हो गया तुरंत उसी जगह पे स्टॉप हो जाएगा साइड एम्बेसडर, ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। फिर आपको देखना पड़ेगा जो लाइन क्लियर है कि नहीं, मतलब रेलवे लाइन और टिपलर का लाइन जो 00 डिग्री है कि नहीं, टॉप क्लैम्प रेज है कि नहीं, मतलब हाइड है कि नहीं, क्योंकि जो ऑगन को लेके जाएगा वो तो टकराएगा ना, वहाँ पे डिरेल हो सकता है, इसीलिए पूरा लाइन क्लियर है तब आप फॉरवर्ड कमेंट देंगे। जैसे ही फॉरवर्ड कमेंट देंगे साइड एम चार्जर स्लो फॉरवर्ड होगा, मतलब पूरा 59 ऑगन को वो कपलिंग करके लेके जा रहा है, इसीलिए धीरे 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 लेके जाएगा। कहाँ तक लेके जाएगा, चेंज ऑगन पोजिशन तक, जहाँ ऑगन चेंज होगा उसी जगह तक वो लेके जाएगा। उसको देखिए साइड एम चार्जर मशीन चेंज ऑगन प्रॉक्सिमिटी स्विच जहाँ पे है वहीं पे साइड एम चार्जर रुक जाएगा, मतलब पूरा एक ऑगन तो नहीं आ रहा था, ज़्यादा ऑगन है तो हमको एक ही ऑगन चाहिए, तो क्या करेगा वर्कर लोग एक ऑगन को छोड़ के बाकी सब ऑगन को वहीं पर डिकेपल कर देगा। डिकेपल करके साइड एम चार्जर फॉरवर्ड पुश बटन प्रेस करेगा, वो लोग फील से होगा, वो फॉरवर्ड पुश बटन फील से ही कमेंट देगा। कमेंट देने के बाद क्या करेगा, साइड एम चार्जर अभी फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है, मतलब सिंगल बॉक्स है इसीलिए थोड़ा स्पीड उसका ज़्यादा है, अभी फास्ट फॉरवर्ड होकर कहाँ जाएगा वो साइड एम चार्जर, टिपलर सेंटर पोजीशन प्रॉक्सिमिटी स्विच तक जाएगा, जहाँ पे ऑगन टिपलर का सेंटर पोजीशन पर रहेगा। देखिए उस जगह पे वो धीरे धीरे लेके जा रहा है, टिपलर सेंटर पोजीशन में जैसे आ जाएगा साइड एम चार्जर वहीं पे रुकेगा, मतलब उस जगह पे हम लोग को डिकपल करना पड़ेगा। तो देखिए ये साइड एम चार्जर सेंटर पोजीशन में आ गया, कंट्रोल रूम से क्या करेगा वहाँ पे डिकपल कर देगा। देखिए ये डिकपल हो गया, डिकपल जैसे हो गया ऑगन को वहीं पे छोड़ दिए, सिंगल ऑगन को वहीं पे छोड़ दिए, और साइड एम चार्जर धीरे धीरे आपका एम्प्टी ऑगन को धक्का मारते मारते वो जा रहा है जहाँ पे साइड एम चार्जर आर्म को रेस कर सकते हैं हम लोग, मतलब आर्म रेस पोजीशन प्रॉक्सिमिटी स्विच तक साइड एम चार्जर जाएगा, वहाँ पे साइड एम चार्जर आर्म धीरे धीरे रेज होगा। रेज होने का बाद क्या होगा उसको देख लीजिए। अभी फील्ड से साइड एम चार्जर ऑपरेटर टोटल इक्विपमेंट को चेक करके ऑपरेटर को क्लियरेंस देगा, जब टिप कर सकते ऑपरेटर क्या करेगा टिप कमेंट दे देगा, मतलब टिप जो पुश बटन है उसको प्रेस करेगा, प्रेस करेगा तो टिपलर टिपलिंग होना शुरू हो जाएगा, और साइड एम चार्जर को भी रिवर्स कमेंट देगा, तो रिवर्स साइड एम चार्जर पीछे आएगा धीरे धीरे, क्यों नेक्स्ट ऑगन को प्लेसमेंट कराने के लिए उसको पीछे लेके आना पड़ेगा, तो इसलिए पीछे वो आ रहा है। देख लीजिए साइड एम चार्जर पीछे आ रहा है, मतलब रिवर्स आ रहा है, तो रिवर्स आके क्या करेगा साइड एम चार्जर आर्म डाउन जो प्रॉक्सिमिटी स्विच है वहाँ पे सेंस करेगा, साइड एम चार्जर आर्म को डाउन करना पड़ेगा, आर्म डाउन पुश बटन पुश करेंगे, फिर साइड एम चार्जर को रिवर्स करेंगे, फिर लोडेड ऑगन का कपलिंग करेंगे, इधर से टिपलर भी 150 डिग्री का जाने के बाद फिर 0 डिग्री पे आ जाएगा, तब साइड एम चार्जर को फिर फॉरवर्ड कमेंट देंगे, ऐसे करते पूरा कंटिन्यू पूरा गाड़ी को खाली होते रहेंगे आप लोग।